नमस्कार। सो यू नो, आप में से कई लोगों ने मुझसे पूछा था कि सर और लास्ट ईयर के हिसाब से 140 से अगर 220 मार्क्स तक के नंबर हैं तो हमारे पास क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल। ट्रस्ट में मैंने वो वीडियो बनाया था और वो तरह मैंने शेड्यूल करा हुआ था 5 तारीख सुबह लाइव होने के लिए, और इससे पहले 4 तारीख शाम को रिजल्ट आ गया। और एक्चुअली मैंने वो वीडियो फट से जाके डिलीट करा। मैंने कहा आप लोग मेरे को मारोगे कि भाई क्या बोल रहे हैं, क्योंकि थिंग्स चेंज सो मच, राइट, कि जो मिलने वाला था बहुत चेंज हो गया। तो अब जो मैं ये वीडियो आपके लिए अभी बना रहा हूँ ताकि इसको आप लाइव देख सकें, वो वीडियो अब आ गया है जो नई मेरिट नए नंबर आ चुके हैं। और इसके हिसाब से स्पेशली नॉर्थ इंडियन स्टूडेंट्स क्या करें, या नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट वाले, और उनके लिए क्या क्या पॉसिबिलिटी है। मैं खासकर नॉर्थ पर फोकस रखूँगा। तो देखिए, नॉर्थ इंडिया, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश 3, हरियाणा 4, दिल्ली 5, उत्तराखंड 6 और उत्तर प्रदेश 7, तो 7 स्टेट्स को हम ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बिहार, झारखंड, बंगाल थोड़ा ईस्ट में आ जाएगा, और राजस्थान को जनरली हम वेस्टर्न इंडिया में करते हैं, पर हम चाहोगे तो आप राजस्थान को भी मैं काउंट कर सकता हूँ, लेकिन पहला एनालिसिस वही राजस्थान के बिना। अब अगर आप चाहे पंजाब के हैं या नहीं हैं, और आपके नंबर अगर मैं जनरल क्वालिफाई की बात करूँ 164 से लेकर अगर 230-240 तक भी हैं, और सिमिलरली डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज की ओबीसी अगर नॉर्मल है तो फिर से सेम रेशो रहेगा, और तो आपके लिए क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो पहले जनरल की बात करते हैं। देखिए, जनरल में अगर आप 240 से नीचे हैं तो इन 7 स्टेट में आपके लिए कोई सीट नहीं है किसी भी पैसे में। हाँ, FH आगरा एक उत्तर प्रदेश का कॉलेज शायद मिल जाए, लेकिन अगर आपके 250 से कम मार्क्स हैं और आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, और अनलेस एंटिल 10-12 नए कॉलेज उत्तर प्रदेश में नहीं आ गए, क्योंकि पंजाब में कोई आने की उम्मीद है ही नहीं, दिल्ली में आने की उम्मीद है ही नहीं, उत्तराखंड में जैसे एक ही आना है, तो अगर बहुत सारे कॉलेज आ गए तो बात अलग है। लेकिन फिर से मैं तभी बार बार कहता हूँ कि ये वीडियो है एज वी स्पीक ऑन लेटर से 9 जून 2024। तो अगर आपके 240 से या 250 भी पकड़ सकते हैं, 240 से कम मार्क्स आपके हैं, तो नॉर्थ इंडिया में जनरल कैटेगरी के लिए इन 7 स्टेट में कोई कॉलेज नहीं है। एक्चुअली इन मार्क्स में बस एक थोड़ा सा टच एंड गो संतोष हो सकता है, और वो भी टच एंड गो, राइट। अभी मैंने, क्योंकि संतोष काइंड ऑफ डीम यूनिवर्सिटी है ना, तो चारों जो डीम यूनिवर्सिटी नॉर्थ इंडिया में है उसमें एक संतोष को हम थोड़ा सा कंसिडरेशन कर सकते हैं कि शायद वो आपको मिल जाए, वरना संतोष के अलावा 240 मार्क्स तक कोई मेजर स्कोप नहीं है कि हमारा कुछ भी हमें सीट मिल सकती है। एक्चुअली संतोष मिल सकता है, तो व्हेन वी आर इन दिस ब्रैकेट ऑफ बिलो 240, द ओनली कॉलेज दैट वी कैन गेट इज संतोष, जिसमें हॉस्टल, खाना पीना सब मिला के एज ऑफ टुडे 1.25 करोड़ रुपये फीस पड़ते हैं। उसका एक्चुअली कारण भी ये है, बिकॉज नॉर्थ इंडिया के तकरीबन बाकी सारे कॉलेज बड़े रीजनेबल हैं, तो यूपी में हम जानते हैं मेजॉरिटी है वो 70 लाख में है, फिर कुछ कॉलेज है जो 90 लाख में माइनॉरिटी कॉलेजेस, और इसलिए फिर सब लोग उनको लेना चाहते हैं, और फिर वो ओपन स्टेट हैं। यूपी, उत्तराखंड में गिन के भी 3 कॉलेज हैं, हरियाणा में गिन के 6 कॉलेज हैं, दिल्ली में एक ही डीम्ड है हमदर्द, पंजाब वैसे भी क्लोज स्टेट है। तो संतोष के अलावा कोई चांस नहीं है अगर आपका 240 से नीचे जर्नल है, और अगर 200 से नीचे है तो संतोष का भी चांस नहीं है, राइट। तो ये हो गया जनरल कैटेगरी के लिए, आपके पास 7 में कोई वो नहीं है, फिर क्या करें। तो देखिए, उसके नीचे जरा सी हम जाते हैं, मध्य प्रदेश क्लोज स्टेट है पूरा फॉर देयर नॉर्मल सीट्स, छत्तीसगढ़ कम फीस है बहुत हाई मेरिट है, उड़ीसा क्लोज स्टेट है, साउथ के 5 स्टेट तमिलनाडु, केरल, आंध्रा, तेलंगाना, कर्नाटका में हमें इन नंबरों पे नॉर्मल सीट नहीं मिल सकती। और फिर आपको NRI या ओ कोटा लेना है तो आप कर्नाटका का ले सकते हैं, वो पैसा दीजिए सीट लीजिए, बस आपको कैटेगरी क्वालिफाइड नहीं जनरल क्वालिफाइड होना चाहिए, आप कर्नाटका सीट के बाहर के हैं। सिमिलरली उधर आ जाइए महाराष्ट्र, गुजरात भी क्लोज स्टेट है, महाराष्ट्र की आप ले सकते हैं महंगी सीट, मध्य प्रदेश की NRI सीट्स जो कि बहुत तेज़ी से बुकिंग चल रही है, और फिर बचा राजस्थान, जब वो राउंड 3 में खुलेगा हमारे लिए तो अक्सर ऐसा होता है कि इन मार्क्स के बच्चों को राजस्थान का NIMS तांतिया क्षेत्र मिल सकता है, फॉर द वेरी सिंपल रीज़न कि वो राउंड 3 में ही हम लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और तब तक MCC का भी राउंड 3 हो चुका होता है। तो डेफ़िनेटली ये सारे बच्चे पुदुचेरी और तमिलनाडु की डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ जो MCC कोर्सिंग कराती है उसमें तो हम जा ही सकते हैं। तो आपको पौंडीचेरी के
चारों कॉलेज आरापड्डू, महात्मा गांधी, श्री लक्ष्मी नारायणा और विनायक मिशन कराईकल मिल जाएंगे। सिमिलरली तमिलनाडु का आपको ACS मेडिकल कॉलेज, भारत, चेटीनाड, मीनाक्षी मेडिकल कॉलेज, सविता मेडिकल कॉलेज, सत्यसाई, श्री बालाजी, ललिता मंगला है। सिर्फ एक SRM और श्री रामचंद्रा को छोड़ के तकरीबन आपको सारे कॉलेज मिल जाएंगे, वेल्स, विनायक मिशन। तो भाई बच्चे भाग जाते हैं साउथ की साइड पे, तो फिर भी फर्स्ट चॉइस तो संतोष ही है। और संतोष के अलावा आपको सारा पुदुचेरी और तमिलनाडु की ड्यूम मिल जाएंगी, जो कि फिर भी आपका 1.25 का बजट पड़ेगा, क्योंकि लोगों में पेशेंस नहीं होती, वरना राजस्थान राउंड 3 में आपको सीटें मिल सकती हैं। और या मध्य प्रदेश की आप NRI सीट लीजिए, कर्नाटक का ओ कोटा लीजिए, जो कोई भी सीट हॉस्टल के साथ, मैं बाबा हमेशा कहता हूँ, हॉस्टल और मेस के साथ आपको 1.25 करोड़ रुपये से कम में नहीं पड़ती, या 1.20 समझ लीजिए। तो जैसे ही आप अभी इन 7 स्टेट के बाहर चले गए, तो या आपके नंबर के 240 से कम है और आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आप मोटा मोटी ये मान के चलिए इस साल आपका 1.25 करोड़ रुपये तो जाएगा ही जाएगा, अल्लाह सेंटिल है बंगाल में जाने को तैयार हों। फिर बंगाल में ऐसा होता है कि 1.05 के पैकेज में भी सीट मिल जाती है कम मार्क्स पे, क्योंकि और बिहार में भी कट ऑफ हाई जाएगी। सो ये आपके लोग अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, OBC से बिलोंग करते हैं, तो देखिए UP में तो कोई फ़ायदा नहीं है, हरियाणा में ये है कि अलग मेरिट है। तो अगर आप BCA BCB के हैं और आपके 230-240 हैं, तो भी तभी तो आपको झज्जर और NC पानीपत ही मिल सकता है। आप माइनॉरिटी हैं तो मैंने कहा कि आपको FH आगरा पक्का ही मिल जाएगा, और नॉन माइनॉरिटी को भी FH आगरा मिलेगा अगर आपके 170-180-200 तक की रेंज के नंबर हैं, तो वही आपका पालनहार है। करियर भी शायद मिल सकता है, अगेन माइनॉरिटी। तो इन 7 स्टेट में फिर आप देखिए, अगर ST हैं तो वंस अगेन हरियाणा की ST हैं तो फिर फ़ायदा मिल सकता है, जो हरियाणा में अलग सीटें हैं, सेम इज़ फॉर SC, बट जनरल में कोई फ़ायदा नहीं है। और इन सभी स्टेट्स में ऐसा है, तो ये आप सुनिए समझिए। और अगर आपके नंबर इससे कम है, तो मान के चलिए आपका काम इस साल 1 CR से कम में सिर्फ तुक्के से ही होगा कि हम काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते रहें, और जैसे लास्ट ईयर हुआ था कि भाई लास्ट में कुछ सीटें खाली रह गई तो हमें शायद मिल गई, लेकिन अगर हम एक अश्योर सीट चाह रहे हैं तो यू हैव टू थिंक ऑफ अदर प्लान्स, चाहे वो आप राजस्थान सोचिए, कर्नाटका सोचिए, मध्य प्रदेश सोचिए, पौंडिचेरी तमिलनाडु की डीम सोचिए, या वेरी फ्रेंकली MBBS अब्रॉड सोचिए, नेपाल के रजिस्ट्रेशन। देखो देखिए, नेपाल भी हम पूरे दुनिया में आप सुन रहे होंगे, जस्ट टू टेल यू, नेपाल में सिर्फ 350 सीटें हैं। सो नेपाल पूरा का पूरा इज इक्वल टू मेबी टू और थ्री मेडिकल कॉलेज ऑफ इंडिया। तो ये ऐसी बात नहीं कि नेपाल में कोई 10,000 सीटें हैं या 5,000 सीटें हैं, जैसे कि रशिया, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान में होती हैं। तो नेपाल में जो टोटल अवेलेबल सीट्स हैं वो 350 ही हैं, मैक्सिमम 400 होंगी, क्योंकि अक्सर 100 सीटों में 33 होती हैं, मैक्सिमम 500 हैं। तो इंडिया के 3 मेडिकल कॉलेज को आप समझ लीजिए आपने बढ़ा दिए, तो बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ने वाला है, ठीक है। अब लोग कहते हैं सर अगर बहुत सारे कॉलेज आ गए, देखिए बहुत सारे कॉलेज भी आ गए ना, तो जो मैं आपको 240 की फिगर बोल रहा था वो गिर के इस समय तो 240 तो मैंने बोला कुछ भी नहीं मिलेगा। अब उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, तो उत्तर प्रदेश का जो सस्ता कॉलेज है वो 300 मार्क्स पे भी नहीं मिलेगा, 300 मार्क्स पे। तो अगर आपके 270-280 भी हैं, तो आपको उत्तर प्रदेश में कोई इस समय जो 26 नॉन माइनॉरिटी कॉलेजेस हैं जिनकी फ़ीस कम पड़ती है, चाहे वो कोई भी क्वालिटी हो, हमें नहीं मिलेगा, चाहे हमारे 300 एक रफ फिगर आप मान के चलिए। तो अगर 5 कॉलेज भी आ जाते हैं तो 200-300 का फिगर 275, देखो कि देखिए क्योंकि UP ओपन है ना, तो 300 से जैसे ही कम बच्चों के 290 वाले भी तो बहुत सारे बच्चे हैं ना जो पैसे बचाना चाहेंगे, तो फिर वो UP आएंगे बजाय के वर्ल्ड मेडिकल झज्जर के 85 लाख देने के। तो खासकर उत्तर प्रदेश के जो मतलब सस्ते जो होते हैं, जो हम कहते हैं 70 के बजट में काम हो जाए, 65 के बजट में काम हो जाए इंडिया में, वो सिर्फ उत्तर प्रदेश में हो सकता है, केरल वगैरह में तो कहीं पॉसिबिलिटी नहीं है ना। मतलब आज इस साल का तो 600-650 नंबर चाहिए, कर्नाटका की सस्ती सीट के लिए 650 चाहिए होंगे, छत्तीसगढ़ के लिए 550 चाहिए होंगे। तो जो हमें फ़ोन आते हैं जी 65-70 में काम हो जाए, वो हो ही नहीं सकता इंडिया में इस साल अगर आपके नंबर 300 से कम है। इस लाइन को दिमाग में नोट कर लीजिए, 300 से अगर आपके कम हैं तो 70 लाख में आपका काम हो ही नहीं सकता, कम से कम आपके 85 से ऊपर होने चाहिए ब्लॉक का बजट, उसमें भी भाई हरियाणा के कुछ कॉलेज मिलेंगे। तो ये ब्रॉडली आई होप आपको हेल्प हुई, ठीक है, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर। हमसे संपर्क करना चाहें
हमारी कौंसलर सर्विस लेना चाहे जो नो द ग्रिल नंबर 9643362020 पे कॉल कीजिए, आपको सारी जानकारी दी जाएगी। पर वो पेड कॉल ही होती है, फ़ोन पे बात करने के 2500, जूम या वीडियो कॉल के 5000। हमारे पैकेजेस बहुत सिंपल हैं, 30000 अगर आपकी प्योर सरकारी सीट आ रही है, 50000 फॉर प्राइवेट काउंसलिंग, अगर एक ही स्टेट की प्राइवेट काउंसलिंग कराएंगे तो 30000 ही लेते हैं, 75000 अगर 6-7 काउंसलिंग करनी पड़ेंगी, और 1.5 लाख अगर आपको NRI या मैनेजमेंट या भाई ओ कोटा मध्य प्रदेश कर्नाटका डीम्ड नेगोशिएशन तमिलनाडु पौंडेचेरी में आपको हमारी ज़रूरत पड़ती है। तो हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।